My English Book 2, Standard 2nd, Subject English, Unit 3, 3.10, Fun with Letters, on page number 46. Point A. Find out the following words from the Greek and encircle them. प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ words दिए गए हैं और साथ ही में आपको एक grid दिया गया है, एक comma दिया गया है. आपको उन words को उस grid में तलाश करना है, उन words को तलाश करना है और उन्हें encircle करना है. कैसे करेंगे? आइए देखते हैं. The words are man, yes, sorry, tap, you and table. प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको कुछ 6 words दिए गए हैं. इन words को आपको इस grid में तलाश करना है कि words इस grid में कहाँ आते हैं. जैसे पहला word है हमारा man. Man की spelling है M A N. तो बच्चों, हमें ये जो ग्रिड सामने दिया गया है इसमें खड़ी तरतीब में, आड़ी तरतीब में, तिरछ तरतीब में, जिस तरह भी हमें इस मैन वर्ड की स्पेलिंग को, इन लेटर्स को, यानी M A और N को तलाश करना है. तो बच्चों, आओ देखो, तलाश करो. तो हमें M A N मैन वर्ड मिला यहाँ पर, और हमें उस वर्ड को मिलने के बाद हमें उस तरह यहाँ पर उसे सर्कल करना है. मैन के बाद वर्ड है यस. तलाश करो बच्चों, यस कहाँ पर है? ये रहा यस. अगला वर्ड है सॉरी. सॉरी की स्पेलिंग है एस ओ आर आर वाई, सॉरी, है ना बच्चों? तो इसकी स्पेलिंग हमें कहाँ नजर आ रही है? हाँ, हमें ये यहाँ पर नजर आ रही है. तो हमने सॉरी इस वर्ड को यहाँ पे तलाश किया. उसके बाद वर्ड है टैप, टी ए पी, टैप. देखो बच्चों, अगर आप देखोगे तो आपके सीधे हाथ तरफ टी ए बी टैब है, लेकिन टैप और टैप में फर्क है. हमें पी वाला टैप तलाश करना है. तो वो वर्ड हमें मिला यहाँ पे, टी ए पी, टैप. नेक्स्ट वर्ड है यू, और वो वर्ड यहाँ पर है. इस तरह बच्चों, आपको इन वर्ड्स को तलाश करके इन्हें सर्कल भी करना है, जिस तरह यहाँ पर सर्कल हो रहा है. आखिरी वर्ड है टेबल, और टेबल हमें यहाँ पर नजर आया. तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जो वर्ड्स हैं हमें इस मॉम्बे में, इस ग्रिड में किस तरह तलाश करने हैं. द चाइल्ड हु कंप्लीट्स द ग्रिड फर्स्ट शाउट्स बिंगो. बच्चों, आप में से जो बच्चे सबसे पहले इस ग्रिड को सॉल्व करेगा और इसे कंप्लीट करेगा, तो वो जोर से बिंगो चिल्लाएगा. यानी ये उसका साइन होगा कि उसने सबसे पहले इस ग्रिड को कंप्लीट किया है.